झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। साल 2022 के पहले महीने में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिली है और पहली फरवरी को हल्की गिरावट से पहले ब्रेंट क्रूड $91 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया था। ऐसे में सरकारी खजाने पर कीमतों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीते करीब 3 महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में आशंका बन रही है कि आने वाले समय में कीमतों में एक बार फिर बढ़त का सिलसिला शुरू हो सकता है। इससे पहले दिवाली के करीब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का तोहफा दिया था, जिसके बाद से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। जनवरी के महीने में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिली और ब्रेंट क्रूड $77.78 प्रति बैरल से बढ़कर $91.21 प्रति बैरल के स्तर पर पहुँच गया, यानी इसमें 17.26% की बढ़त देखने को मिली है। भारत की क्रूड बास्केट में ब्रेंट क्रूड की प्रमुख हिस्सेदारी होती है। हालांकि फरवरी के पहले दिन क्रूड में गिरावट दर्ज हुई, लेकिन अभी भी ब्रेंट क्रूड $88 प्रति बैरल के स्तर से ऊपर है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव की वजह से देखने को मिली है। फिलहाल रूस और यूक्रेन की सेनाएँ आमने सामने हैं, वहीं यूरोप और अमेरिका यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं। इससे आशंका बन गई है कि रूस यूरोपीय देशों के लिए तेल की सप्लाई बाधित कर सकता है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है। वहीं अन्य तेल उत्पादक देश भी बढ़ती मांग के अनुसार सप्लाई में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे मांग के मुकाबले सप्लाई पर असर की आशंका बन गई है और तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। गोल्डमैन सैच पहले ही आशंका जता चुका है कि इस साल ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल का स्तर छू सकता है। इसके लिए मांग में तेज उछाल के मुकाबले सीमित सप्लाई को वजह बताया जा रहा है। वहीं घरेलू बाजारों में पिछले करीब 90 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बीच तेल की कीमतों में बढ़त से तेल कंपनियों पर इसका असर देखने को मिलने लगा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ यानी कि PPAC के अनुसार भारत द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की औसत कीमत 26 जनवरी को $28.23 प्रति बैरल थी। PPAC के अनुसार यह आंकड़ा 2021 में $74.85 प्रति बैरल, नवंबर में $74.47 प्रति बैरल और दिसंबर में $75.34 प्रति बैरल था। वहीं एनालिस्ट अनुमान जता रहे हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं घटने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी रहेगी। हालांकि मीडिया में अनुमान दिया जा रहा है कि विधानसभा चुनावों की वजह से सरकार फिलहाल बढ़ोतरी से बचना चाहेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे और इससे पहले ईंधन की कीमतों में कोई भी वृद्धि की संभावना नहीं है। लेकिन कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो जो तेल कंपनियां हैं वो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा करना शुरू कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।